मारे को भी दिखाओ ना। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज आप सब कुछ चेंज देख रहे होंगे, बैकग्राउंड चेंज है, मैंने बैग टांगा हुआ है। तो जैसा कि आज मैं जा रही हूँ कमर्शियल मार्केट, जो कि बैंगलोर की बहुत ही फेमस मार्केट है। इट्स अ स्ट्रीट मार्केट एंड आज हम इसको एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए मेरे साथ कमर्शियल मार्केट, आइए मेरे साथ। गाइज हम लोग ऑटो में बैठ चुके हैं एंड 40 से 50 मिनट्स लगेगा, हमने ऑटो ले लिया है। कमर्शियल मार्केट पहुंच चुके हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं मार्केट हम पहुंच चुके हैं। हमें 40 मिनट्स लगे यहां पे आने में, तो चलिए मेरे साथ। कमर्शियल मार्केट इज सिचुएटेड इन बैंगलोर एंड इट्स अ टू लेन मार्केट वेयर यू गेट स्ट्रीट शॉपिंग एंड ब्रांडेड शोरूम्स। इस मार्केट में बॉयज़, गर्ल्स एंड किड्स के फैशनेबल कपड़े मिलते हैं। शोरूम से तो हम हमेशा ही शॉपिंग करते हैं, चलो आज कुछ स्ट्रीट शॉपिंग हो जाए, तो चलिए मेरे साथ। इस मार्केट में गर्ल्स के लिए इंडियन वेयर, वेस्टर्न वेयर, शूज़, जूते, सैंडल्स, बैग्स सब कुछ अवेलेबल है। इस लेन में गर्ल्स के सैंडल, किड्स के सैंडल्स एंड जेंट्स के शूज़, सारी चीज़ें बहुत ही अफोर्डेबल रेट में अवेलेबल हैं। एंड यहाँ पे आपको बहुत ही ब्यूटीफुल से स्टोल्स मिल जाएंगे 100 रुपीज़ में, इवन यू गेट इन 50 रुपीज़ ऑल्सो। इस मार्केट में गर्ल्स की एक्सेसरीज़ के अलावा बॉयज़ की एक्सेसरीज़ भी अवेलेबल है, लाइक बेल्ट, बैंड्स, शूज़, वॉच, एवरीथिंग यू गेट हेयर। कमर्शियल मार्केट इज़ फुल ऑफ फुटवेयर शॉप्स। इन कमर्शियल मार्केट you will get variety of beautiful earrings. ये कितने का अभी, ये वाला 250, ये 250 का है गाइज ये वाला। गाइज मैं हूँ अभी SK ज्वेलरी शॉप पे और मेरे साथ भैया हैं अभी, ये आपको बताएंगे कि यहाँ पे किस टाइप मिलती है, बताइए भैया किस टाइप। डायमंड में आपको ओरिजिनल में भी मिल जाएगा, कॉपी में भी मिल जाएगा, 1 ग्राम फॉर्मिंग का मिल जाएगा, प्लेटिंग का भी मिल जाएगा, 1 ग्राम फॉर्मिंग का भी डिज़ाइन है इसमें, दुबई गोल्ड से लेकर सब ग्रेडिंग में मिल जाएगा, पूरा फैंसी के कलेक्शन भी है। जैसे कि आप देख सकते हैं इनके पास काफ़ी अच्छा कलेक्शन है, इनके पास ऑक्सीडाइज ज्वेलरी का 1 ग्राम गोल्ड जो है उसका भी अच्छा कलेक्शन इनके पास में, आप आ सकते हैं। SK ज्वेलरी नाम से है ये, कमर्शियल स्ट्रीट में ऑपोजिट लबाबी मस्जिद, यू कैन कम एंड यू कैन सी हाउ ब्यूटीफुल दे आर। आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा कलेक्शन है इनके पास। आप यहाँ पे आते हैं मेरा नाम लेके तो ये आपको 20% ऑफ भी देंगे, तो आप इनकी शॉप में आ सकते हैं। ये कमर्शियल स्ट्रीट में इनकी शॉप है एंड एड्रेस सब मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेंशन कर दूंगी इनकी शॉप का। तो मैं आपको यहाँ पे इनके पास ब्राइडल ज्वेलरी भी है, ब्राइडल ज्वेलरी एंड कुंदन ज्वेलरी, एवरीथिंग यू गेट एंड पार्टी वेयर। गाइज आप देख सकते हैं कितना अच्छा ये कुंदन का सेट है एंड इसका प्राइस है 700 एंड थोड़ा बहुत डिस्काउंट भी भैया आपको कर देंगे इसमें। गाइज इस शॉप में इतनी ब्यूटीफुल सी कुंदन ज्वेलरी भी थी, मन कर रहा था कि सब कुछ खरीद लूँ। सी गाइज ये इयर रिंग्स कितने अच्छे लग रहे हैं एंड दिस इज़ जस्ट 150 रुपीज़ एंड सी ये बिल्कुल लाइक इट्स अ यू कैन वेयर ऑन द मॉडर्न ड्रेस, एवरी किसी भी ड्रेस के साथ आप इसको वेयर कर सकते हैं एंड दिस इज़ लिटिल बिट ऑन एथनिक साइड, यू कैन वेयर विद योर
सूट साड़ी किसी भी ड्रेस के साथ आप इसको वेयर कर सकते हैं। सी कितने अच्छे लग रहे हैं, एंड इसके पर्ल्स देखिए कितने अच्छे हैं, एंड सी दिस इयर रिंग ऑल्सो। तो इन दोनों में से बताइए मुझे कौन सा लेना चाहिए। एंड दिस इज ऑल्सो, इन इयर रिंग्स की यही खास बात है कि ये बिल्कुल लाइट वेटेड है, बिल्कुल भी हैवी आपको ईयर्स में फील नहीं होगा, और दिखेगा सामने से आपको ऐसे दिखेगा कि बहुत हैवी है, बट इट्स नॉट एट ऑल हैवी। नेक पीसेस यू विल गेट ब्यूटीफुल मोबाइल कवर्स विद अफोर्डेबल रेट्स। बड़े सुंदर सुंदर है ना यहाँ पे कवर, मैं कुछ स्पार्कल में दिखाऊं उसकी कितना अच्छा लग रहा है स्पार्कल। गाइज आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना अच्छा कलेक्शन है, बहुत अच्छा ग्लिटरी एंड प्राइस मैं आपको अभी बताऊंगी पूछ के भैया से। सी दिस इज़ वेरी नाइस, गाइज अब आते हैं क्लोथ्स पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 99 रुपीज़ में टॉप है, एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं 250 में प्लाजो है, पिक एनी एट 250, एंड डील ऑफ द डे इज़ 250 में आप कोई भी टॉप पिक कर सकते हैं। ये वाला जो ड्रेस है वो 850 का दे रहा था, बारगेन करके आप इसको 500 तक लेके आ सकते हैं। इस शॉप में डिज़ाइनर प्लाजो, लॉन्ग गाउन, बहुत ही अच्छे अच्छे गाउन्स थे, वो भी 850 रुपीज़ में, एंड आप इसमें बारगेन भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइस 200 में टॉप्स कुर्ती, एंड मैं इन दो कलर्स में बड़ा कंफ्यूज हो रही थी, तो मैं अपनी फ्रेंड से पूछ रही थी कि कौन सा ख़रीदूँ। Hey guys, हम लोग अब खाना खाने आ चुके हैं, बहुत टायर्ड हो चुके हैं एंड बहुत भूख लग रही है, आप देख सकते हैं मैकडी में आए हैं हम ऑर्डर। गाइज अब देख सकते हैं ये एंकलेट हैं, एंड भैया कनाडा में इसका प्राइस बता रहे हैं। गाइज यहाँ पर बच्चों के लिए, बड़ों के लिए रबर बैंड्स, हेयर बैंड्स, क्लिप्स की इतनी वैरायटी है कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे क्या ख़रीदूँ और क्या नहीं। देख सकते हैं कितने क्यूट क्यूट से हेयर बैंड्स हैं गर्ल्स के लिए। Guys, it's Elohi, it's a Korean brand, and you will get a cute stuff over there. हम लोगों की शॉपिंग हो चुकी है एंड इट्स अराउंड 5:45, एंड इसके बाद अब हम लोग घर जाएंगे, एंड उसके बाद मैं आपसे शेयर करूंगी कि मैंने क्या क्या परचेज़ किया है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है कुसुम जुयाल, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। एंड अब मैं आपको बताऊंगी कि मैं कमर्शियल मार्केट से क्या क्या लेकर आई थी, एक एक चीज़ मैं आपको शो करूंगी और उसका प्राइस जो भी है वो स्क्रीन पे आ जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हो, एंड सब्सक्राइब के साइड में एक बेल आइकन आ रहा है उसको भी दबाइए,
एंड अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ गाइज जल्दी जाइए और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स जंप इनटू द वीडियो। इसमें अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मेरा मार्केट का एक्सपीरियंस कैसा रहा। कमर्शियल मार्केट इज़ वेरी गुड एंड अगर आप कॉलेज गोइंग गर्ल्स हैं तो कमर्शियल मार्केट इज़ द बेस्ट मार्केट फॉर यू, क्योंकि वहाँ पे जो भी लेटेस्ट ट्रेंड है वो सबसे पहले कमर्शियल मार्केट में आता है। काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस है एंड गाइस मैं बताती हूँ कि मैंने वहाँ से क्या क्या परचेज किया है। एक्चुअली मेरी डॉटर है तो उसके लिए मैंने सबसे पहले मैंने उसी के लिए शॉपिंग करी है। सो उसके लिए मैंने एक ये टॉप खरीदा है एंड दिस इज अनदर टॉप, वेरी सिंपल, क्योंकि बच्चों को जितना सिंपल क्लोथ होता है वो ज़्यादा कंफर्टेबल उसमें फील करते हैं। एंड आई हैव परचेज वन लेगिंग्स, सी काफ़ी अच्छा इसका कपड़ा है एंड अनदर लेगिंग्स इज दिस, बहुत ही अच्छा है एंड काफ़ी सॉफ्ट कपड़ा है, काफ़ी कंफर्टेबल है। क्योंकि तो ये मैंने जस्ट एक शोरूम से परचेज किए थे तो इसके टॉप मुझे पड़ा है 250 रुपीज़ का एंड दिस इज 255 एंड लेगिंग्स इज दिस इज 250 रुपीज़ लेगिंग्स एंड दिस इज़ थोड़ा सा प्रिंटेड है तो ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, दिस इज 375। अलावा बहुत ही क्यूट क्यूट से रबर बैंड, हेयर बैंड्स बहुत अच्छे अच्छे वहाँ पे मिलते हैं। सो आई थॉट कि इसको तो मैं भी लगा सकती हूँ। सी देख सकते हैं कितना क्यूट और कितना अच्छा ये लग रहा है। सो मैंने ये सोचा कि ये हम दोनों के लिए हो जाएगा, ये उसके लिए भी हो जाएगा और मेरे लिए भी। सो माई नेक्स्ट परचेज इज दिस, दिस इज़ अ मोबाइल कवर, इट्स इन गोल्डन इन कलर एंड ये मुझे काफ़ी पसंद आया। हार्ड नहीं, बिल्कुल सॉफ्ट है तो ये बहुत अच्छा है। इट्स अराउंड ये मुझे 200 का मिला है। सो दिस इज़ माई सेकेंड परचेज। ये एक टॉप मैंने अपने लिए परचेज किया है, इट्स वेरी इसका क्लोथ बहुत अच्छा है आप देख सकते हैं एंड इट्स ब्लैक इन कलर तो बहुत, और लेंथ भी इसका बहुत अच्छा है, इसका टेक्स्चर काफ़ी अच्छा है। सो दिस इज़ माई सेकेंड परचेज, दिस इज़ माई सेकेंड टॉप, काफ़ी अच्छा लगा मुझे इसका कलर, स्पेशली मुझे इसका कलर बहुत पसंद आया। सो दिस इज़ माई नेक्स्ट टॉप, ये इतना अच्छा नहीं आ रहा है लेकिन ये एक्चुअली में इसका कलर बहुत अच्छा है। ये बहुत ही सुंदर टॉप है आप देख सकते हैं एंड इसमें ऐसे स्लीव्स है और यहाँ पे भी इसमें थोड़ा सा काम है कढ़ाई का, इस तरह से कढ़ाई है यहाँ पे एंड दिस इज़ द नेक, बैक साइड से आप देख सकते हैं इसमें यहाँ पे ऐसे बटन है, इस तरह से दो बटन है एंड इसका भी स्टफ बहुत अच्छा है, बहुत कंफर्टेबल है एंड बहुत ही अच्छा कलर है। कैमरे में ये इतना अच्छे से कलर कैच नहीं कर पा रहा है, ये बेज कलर है। नेक्स्ट मैं आपको दिखाऊंगी मैंने वहाँ से कुछ ज्वेलरी परचेज की है। मैंने एक ऑक्सीडाइज ज्वेलरी ली है, सी दिस इज़ द ज्वेलरी एंड बहुत ही सुंदर है ये। इसमें इस तरह का है, आप चाहे तो इसको टाइट कर सकते हैं, लूज़ कर सकते हैं अपने नेक के अकॉर्डिंग एंड इसके साथ मुझे मिले हैं दो ईयर रिंग्स। इस नेक्स्ट पीस ये है, बहुत ही सुंदर है, किसी भी ड्रेस के साथ आप इसको वेयर कर सकते हैं। इट्स अ टू लेयर चेन, सी आप देख सकते हैं कितनी सुंदर लग रही है ये एंड ये भी मैंने स्ट्रीट से ही परचेज की थी। सो गाइस अब मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही ब्यूटीफुल से ईयरिंग्स जो आप बहुत पसंद करेंगे। सी कुछ इस तरह से उन्होंने मुझे पैक करके दिया है। मुझे एक्चुअली ट्रेडिशनल से ज़्यादा जो वेस्टर्न वेयर में हम ईयरिंग्स वेयर करते हैं तो मैं उनको ज़्यादा पसंद करती हूँ। तो सी सी द ब्यूटीफुल ईयरिंग्स एंड जिस शॉप से मैंने ये परचेज़ किया है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वो काफ़ी अच्छी शॉप है एंड अगर आप मेरा नाम लेके इस शॉप में जाएंगे तो यू विल गेट 20% ऑफ। सो इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ माई नेक्स्ट ईयरिंग जो कि है मीनाकारी ज्वेलरी, देख सकते हैं कैमरा अगर कैच कर रहा है, सी वेरी ब्यूटिफुल ईयरिंग। नाउ कम टू द थर्ड पीस, दिस इज ऑसम, इफ यू सी दिस ईयरिंग्स वेरी ब्यूटिफुल एंड वेरी यूनिक, आई डोंट नो कि इसको क्या कहते हैं बट इट्स वेरी ब्यूटिफुल ईयरिंग्स। आप किसी भी ड्रेस के साथ इसको वेयर कर सकते हैं, मतलब कि साड़ी या सूट, ये साड़ी या सूट के साथ पहनने वाली ईयरिंग्स है एंड इट्स वेरी ब्यूटिफुल, बहुत ब्यूटिफुल एंड वेरी यूनिक। मुझे बहुत मतलब डिफरेंट ये लगे और इतने लाइट वेटेड हैं ये, बहुत सुंदर लग रहे हैं पहन के आप देख सकते हैं। इनका जो मार्केट प्राइस है दैट इज़ 400 एंड अगर आप जाएंगे तो आपको इसमें 20% ऑफ वो दे देंगे। बहुत अच्छे ईयरिंग्स है, बहुत अच्छा कलेक्शन है। दिस इज़ माई लास्ट पीस, इट्स वाइट इन कलर, मतलब ये दिस इज़ ब्लैक इन कलर एंड दिस इज़ वाइट इन कलर, ये सेम ईयरिंग्स है, इट्स ब्लैक इन कलर एंड इट्स वाइट इन कलर
एंड बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही लाइट वेटेड ये इयररिंग्स। मिनिसो होता है, मिनिसो की तरह एक इलोही करके ब्रांड मुझे वहाँ पे दिखा जिसमें बहुत ही सुंदर सुंदर बहुत ही क्यूट क्यूट सी चीज़ें थी। तो आई थॉट कि मैं वहाँ पे विजिट करती हूँ और देखती हूँ कि वहाँ पे क्या क्या है। एंड मैंने वहाँ से लिया है वन बैग, ये बैग में मुझे 20% ऑफ मिला है, इट्स 380 एंड ये कॉटन का है, इट्स अ वॉशेबल बैग एंड बहुत ही अच्छा बैग है। इसमें कोई जिप नहीं है, आप देख सकते हैं इस तरह का ये बैग है। इसमें एक कंपार्टमेंट है अंदर यहाँ पे इस तरह से एंड इसको आप इस तरह से लॉक कर सकते हैं। सेकंड मैंने वहाँ पर परचेज किया ये दिस इज़ अ क्लीन मॉइस्चराइजिंग वेट वाइप्स। सो इनका जो मुझे प्राइस पड़ा है दैट इज़ 190 एंड एक इसमें पूरे 10 का पैकेट है और एक पैकेट में 10 वाइप्स है। ये मेकअप रिमूव करने के लिए बहुत अच्छी होती है। सो आई थॉट कि काफ़ी अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी भी मुझे इसमें मिल रही है एंड 190 में इतना सारा मतलब काफ़ी सारी वेट वाइप्स मुझे मिल रही है। सो आई थॉट कि इसको परचेज करते हैं। सो गाइज ये था मेरा कमर्शियल का हॉल जो मैं वहाँ से परचेज करके लाई थी। आई होप ये आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं खरीदी है लेकिन मैंने आपको बता दिया कि वो किस तरह की मार्केट है। अगर आप कॉलेज गोइंग गर्ल्स हैं तो वो बहुत अच्छी मार्केट है आपके लिए, आप स्ट्रीट पर बहुत अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो गाइज ये था मेरा कमर्शियल का हॉल। सो प्लीज़ मुझे बताइएगा कि आपको मेरा हॉल कैसा लगा। काफ़ी अच्छी मार्केट है, बहुत टाइम लगता है। दिल्ली में सरोजनी मार्केट है ना, उसी तरह से बैंगलोर में कमर्शियल मार्केट है कि मतलब आपको हर तरह का सामान वहाँ पे मिलेगा। जैसे कि अगर आप कॉलेज गोइंग गर्ल्स हैं तो यू विल गेट इयर रिंग्स का काफ़ी अच्छा कलेक्शन है, काफ़ी चीप प्राइस पे है। अगर आप स्ट्रीट से परचेज करते हैं तो आप बार्गेनिंग कर सकते हैं, बार्गेनिंग वहाँ बहुत अच्छी होती है। इट्स दैट डिपेंड ऑन यू कि आप किस तरह से वहाँ पे बार्गेनिंग करती हैं। कुछ पर्टिकुलर शॉप्स हैं जहाँ पे सिर्फ आपको जैसे लिखा हुआ है कि 300, 200 तो उसमें वो लोग बिल्कुल भी डिस्काउंट नहीं करते, जो टैग उनका लगा हुआ है वो आपको उसी प्राइस पर। आप इस तरह की कुछ और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ गाइज मुझे कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा, मैं बैंगलोर की और भी मार्केट एक्सप्लोर करूंगी आप लोगों को। अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। खुद का ख्याल रखिए और खुद से प्यार करिए।